हेलो दोस्तों, जय हिंद। और आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं ईसा खान नियाजी और शाही नाई का मकबरा। और इनका जो मकबरा है, जहां बादशाह हुमायूं का मकबरा बना हुआ है, उसी कॉम्प्लेक्स में इन्हीं का मकबरा बना हुआ है, जो शाही नाई हुआ करते थे, जो जिनके जिसे बार्बर टॉम के नाम से जानते हैं, जो मुगले सल्तनत में बाल काटा करते थे, उनका मकबरा। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाने वाले हैं ईसा खान नियाजी और शाही नाई का मकबरा, जो दिल्ली में बने हुए हैं, जहाँ निजामुद्दीन के पास। हेलो गाइस, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं ईसा खान नियाजी का मकबरा, जो शेर शाह सूरी के शासनकाल में अमीर थे, और यह एक अफगानी नवाब थे जो शेर शाह सूरी के शासनकाल में कार्यरत थे। तो चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं ईसा खान नियाजी का मकबरा। और आप जो सामने देख रहे हो, यही ईसा खान नियाजी का मकबरा है। और दोस्तों, आपको एक बात और बताते चले, इनका जो मकबरा है, इन्हीं के जीवन काल में ही बनवाया गया था, यानी 1447 से 1448 के बीच इनके मकबरे की तामीरी की गई थी। और इनका मकबरा अष्टकोणीय यानी अष्टभुजाकार बना हुआ है। आप देख सकते हैं इनके मकबरे को, जो अष्टकोणीय बना हुआ है। और इनके मकबरे में ज़्यादातर लाल बलुआ पत्थर और काले पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो प्राचीन और मध्यकाल में इनका काफ़ी उपयोग किया जाता था स्थापत्य कला के लिए। और दोस्तों, आपको एक बात और बताते चले, ईसा खान नियाजी के मकबरे के सामने ही इनकी मस्जिद है, जिसे ईसा खान की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और उस पर जो छतरियाँ बनी हुई हैं, जिन पर पेंट हुआ है पुराने ज़माने का, आप देख सकते हैं इसमें। और इसी जो मस्जिद है, ये ईसा खान नियाजी के मकबरे के पश्चिम में बनी हुई है। और ये मस्जिद भी ईसा खान नियाजी के मृत्यु से पहले ही बनवाई गई थी। तो जैसा कि दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ईसा खान नियाजी के मकबरे के पास, और आप देख सकते हैं यह वाकई काफ़ी खूबसूरत है। और दोस्तों, इनका जो मकबरा है, इनके मरने के बाद इनके पूरे परिवार के लिए भी काम में आया, यानी इस मकबरे में उनकी कब्र के साथ साथ उनके परिवार वालों की भी कब्र इसी मकबरे में है। और दोस्तों, इस मकबरे में जितनी भी कब्रें हैं, सारी की सारी संगमरमर की बनी हुई हैं, और आप देख सकते हो। और इसमें जो सबसे बड़ी कब्र है, वही ईसा खान नियाजी की कब्र है। और आप जो ये सामान देख रहे हो, यह ईसा खान नियाजी और बादशाह हुमायूं के मकबरे का मॉडल है, जो हुमायूं के मकबरे के दूसरे नंबर के गेट में रखा हुआ है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं नाई के मकबरे के पास, जो बादशाह हुमायूं के मकबरे के कॉम्प्लेक्स में ही बना हुआ है। और जो नाई का मकबरा है, जो मुगले सल्तनत के शाही नाई हुआ करते थे, जो बाल काटा करते थे, यह उनका मकबरा है, जिसे शाही नाई का मकबरा या बार्बर टॉम के नाम से जाना जाता है। और यह जो मकबरा है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और इसकी सीढ़ियों में काले पत्थरों का उपयोग किया गया है, आप देख सकते हो। यह भी काफ़ी खूबसूरत है, और यह इस्लामी आर्किटेक्ट का एक अनोखा उदाहरण है। और दोस्तों, इनका जो मकबरा है, एक चबूतरे पर बना हुआ है, आप देख सकते हो। और दोस्तों, इनके मकबरे के चारों ओर जो नालियाँ बनी हुई हैं, जिसे हम चार बाग शैली के नाम से जानते हैं, और यह चार बाग शैली बादशाह अकबर के शासनकाल में विकसित हुई थी, आप देख सकते हो ये नालियाँ। और दोस्तों, इनकी जो नालियाँ हैं, और दोस्तों, इनके मकबरे में जो नालियाँ बनी हुई हैं, ये 1905 के समथिंग बनवाई गई थी, जो शायद ब्रिटिश टाइम के समथिंग बनवाई गई थी। तो दोस्तों, चलते हैं इनके मकबरे के अंदर और आपको दिखाते हैं इनकी कब्र। और इनकी कब्र में देख सकते हैं आप, दो कब्रें बनी हुई हैं, एक लेडीज़ कब्र है और एक जेंट्स कब्र है। और जो सबसे ऊंची कब्र है, वह जेंट्स कब्र है, वही शाही नाई की कब्र है।